सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लाए हैं रॉयल इनफील्ड सिग्नल 350। तो आज हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे और इसमें एडिशनल एसेसरीज जो लगा हुआ है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें हेलोजन हेडलाइट मिलता है विथ बल्ब इंडिकेटर। ये हमें आर्क का रॉयल इनफील्ड का टैग मिलता है हेडलाइट के बीच में, और हमें ये क्लियर वाइजर मिलता है जो कि एडिशनल एसेसरीज़ में है। तो सस्पेंशन की बात करें तो हमें टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। टायर्स की बात करें तो 100x90 का टायर और 19 इंच का एलॉय मिलता है। डुअल चैनल ABS है और हमें बाइब्रेक का ब्रेक्स मिलता है। तो मीटर ऑन करते हैं तो हमें एनालॉग और डिजिटल में कंसोल मिलता है। तो हमें ओडोमीटर, फ्यूल गॉज, क्लॉक, नेविगेशन, ट्रिप मीटर, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर में सारा कुछ मिलता है। ये आई बटन से हम यहाँ पे टाइम ये सब चेंज कर सकते थे। ये ओडोमीटर, ये ट्रिप मीटर, ये ट्रिप टू, ये ट्रिप एफ, और ये वापस से टाइम, और यहाँ रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। ये हमें मतलब ऐड कराना पड़ेगा मैप के लिए। तो हमें ये रहा वाइज़र, ये एडजस्टेबल वाइज़र है। तो ये रहा हैंडल बार मिरर, ये एडिशनल एसेसरीज़ में आता है। तो हैंडल की बात करें तो हमें पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, ये रहा क्लच, और हमें USB पोर्ट मिलता है, ये रहा। और इस तरफ हमें 3-स्टेप इग्निशन स्विच मिलता है और हमें हजार्ड लाइट मिलता है। तो हजार्ड ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रंट से चारों इंडिकेटर जलते हैं, ये देखिए। तो टैंक की बात करें तो हमें 30 लीटर का टैंक मिलता है। ये रहा फुट पैक जो कि एडिशनल फुट पैक है, ये थोड़ा बड़ा रहता है बाकी सब के हिसाब से। ये रहा सिग्नल 350 का ग्राफिक्स। ये रहा हमारा सारी गार्ड, तो ये काफ़ी मतलब अच्छे क्वालिटी में इस बार दिया गया है। ये रहा ग्राफिक्स, ये थोड़ा बहुत टैग है। तो इस तरफ भी हमें ये वाला फुट पैक मिलता है जिसमें R लिखा हुआ मिलेगा, रॉयल इनफील्ड। ये हमें, और ये यहाँ पे सिग्नल 350 का ग्राफिक्स। तो इंजन की बात करें तो हमें 349.34 cc का इंजन मिलता है। ये रहा चेसिस प्रोटेक्टर, यहाँ पे लगेगा जो कि इस तरफ रखा हुआ है, ये देखिए। अभी लगा हुआ नहीं है क्योंकि ऑर्डर देने पे लगेगा। तो इंजन की बात करें तो हमें 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन, स्पार्क इग्निशन, सिंगल सिलेंडर मिलता है। पावर की बात करें तो 20.21 PS का पावर और 27 Nm का टॉर्क मिलता है। FI इंजन है, 5-स्पीड गियर बॉक्स है और सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन हमें सिर्फ मिलता है इस बाइक में। तो सीट की बात करें तो सीट भी हमें काफ़ी वेल कुशन्ड मिलता है। ये रहा ग्रैब रेल जो कि एडिशनल एसेसरीज़ में आता है। इस पर हम लोग 3 kg तक का वेट रख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पीछे की लाइट की बात करें तो हमें बल्ब बैक लाइट मिलता है, बल्ब राइट लेफ्ट इंडिकेटर मिलता है। ये बैक लाइट ऑन करके दिखाते हैं, ये देखिए, ये इंडिकेटर हजार जला के दिखाते हैं। तो टायर्स की बात करें तो 120x80 का टायर और 18 इंच का एलॉय मिलता है। डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक प्रेजेंट है। हमें बाइब्रेक का ब्रेक्स मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड सस्पेंशन मिलता है। तो माइलेज की बात करें तो 40 to 45 KMPL का माइलेज हमें कंपनी क्लेम करती है। तो होप सो गाइस, वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सही किसी और वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।